हर करबला का जाहिर तबर्रुकात दिखाता। नाने की कब्र में बैठ के गठरी खोली, रो कदी मैं तुझ तेरे लिए करबला से कुछ लेके आई हूं। ये असगर का कुर्ता है, ये सकीना के दौर है। नाना उठ, मैं तुझे करबला के बचे हुए तबर्रुकात दिखाऊं। कब्र रसूल पर जल्द आया, आवाज आई, ना आ लिया, ना आ लिया। अच्छा नाना, तुम मुझसे दुख नहीं सुनेगा? गठरी बंद की, कब्र हसन की तरफ चली। हसन की कब्र से आवाज आई, जैना मुझे दर्द ना सुना, जैना मेरा तो कफन अभी तक लहू से भरा हुआ है। रो के कहती, मैं तेरे जनाजे से तीर खींचती रही हूँ, मैं बाबे के सर पे पट्टियां बांधती रही हूँ, मैं माँ के पहलू में पट्टियां बांधती रही हूँ, मैंने सबके दर्द सुने, मेरे कोई भी नहीं सुन रहा। हसन की कब्र में बैठी थी, या माँ की कच्ची कब्र से आवाज आई, ना नाने को सुना, ना भाई को सुना, मेरी कब्र पे आ जा, मैं तेरी दुखियारी माँ बांधती रही हूँ, मैंने सबके दर्द सुने, मेरे कोई भी नहीं सुन रहा। हसन की कब्र में बैठी थी, या माँ की कच्ची कब्र से आवाज आई, ना नाने को सुना, ना भाई को सुना, मेरी कब्र पे आ जा, मैं तेरी दुखियारी माँ हूँ। रो के कहती है, अम्मा बेटियां माओं को दर्द बताती हैं, अगर तू कहे तो ज़ैनब तुझे अपने दर्द बता दे। आखिरी जुमला पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा हूँ, सदात मातम की दावत दे रहा हूँ। रो के आवाज आई, हाँ ज़ैनब मुझे दर्द सुना। रो के कहती, अम्मा तुझे याद है मैं बताती है, अगर तू कहे तो ज़ैनब तुझे अपने दर्द बता दे। आखिरी जुमला पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा हूँ, सदात मातम की दावत दे रहा हूँ। रो के आवाज आई, हाँ ज़ैनब मुझे दर्द सुना। रो के कहती, अम्मा तुझे याद है मैं 28 रजब को तेरी कब्र पे आई थी, मैंने तेरी कब्र पे आके एक वादा किया था, अम्मा मेरा कुछ बचे ना बचे मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे तेरा वादा याद है। रो के कहती, एक बार कब्र से उठ, वो देख तेरा सजाद भी ले आई हो, वो देख तेरा भाकर भी ले, कब्र से उठ, वो देख तेरा सजाद भी ले आई हो, वो देख तेरा भाकर भी ले आई हो। अम्मा ना मेरा ऑन आया है, ना मेरा मोहम्मद आया है, अम्मा मेरी नस्ल कत्ल हो गई, तेरी नस्ल में बचा के ले आई। आवाज आई, ज़ैनब तेरा बड़ा शुक्रिया, तूने इमामत की नस्ल को बचा लिया। रो के कहती, मुझसे पूछ तो सही, तेरी नस्ल बचाने के लिए मुझे देना क्या पड़ा है। आवाज आई, हाँ ज़ैनब सुना, सैयद मुझे माफ कर देना। रो के कहा, अम्मा जब मोहम्मद आया है, अम्मा मेरी नस्ल कत्ल हो गई, तेरी नस्ल में बचा के ले आई। आवाज आई, ज़ैनब तेरा बड़ा शुक्रिया, तूने इमामत की नस्ल को बचा लिया। रो के कहती, मुझसे पूछ तो सही, तेरी नस्ल बचाने के लिए मुझे देना क्या पड़ा है। आवाज आई, हाँ ज़ैनब सुना, सैयद मुझे माफ कर देना। रो के कहा, अम्मा जब हुसैन घोड़े की ज़ीन से गिर गया, 300 कातिल हाथों में नेज़े लेके तेरे सज्जाद को कत्ल करने के लिए हुए खैमे के अंदर गई, अम्मा मैंने सज्जाद को पोर्च पे रखा, अम्मा मैं जले हुए खैमे से निकली, 300 कातिल मेरे पीछे दौड़ा, अम्मा कोई दाएं से नेजा मारता, मैं दायां कांधा आगे करती, कोई बाएं से नेजा मारता, मैं बायां पहलू आगे करती, तेरा सज्जाद बच गया।